हाय गाइस, तो मैं फिर आ गई हूँ मैं नया रेसिपी लेके। तो मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैं स्पेशल मैं इसको पालक शाक को अच्छा करके धो के रख दिए हैं गर्म पानी से, देखिए। और इसमें मैं क्या दे रही हूँ, तो ये है टमाटर, इसको मैं पेस्ट बनाऊंगी मिक्सी में। और ये है पनीर, काट के मैं रख दी हूँ पनीर को, देखिए। और ये है प्याज को मैं काट के रख दी हूँ, मैं प्याज को भी काट के रख दिए हैं। और ये है लहसुन को मैं पेस्ट बना के रख दिए हैं। और बाकी जो मसाला है मैं इसको, ये देखिए इसमें है, ये चिली पाउडर डालेंगे। और ये है धनिया का पाउडर है, और ये है जीरा का पाउडर है, और नमक देंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। तो देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। तो गाइस देखिए, मैं पालक साग को मिक्सी में हम इसको पीसेंगे। तो इसमें हम लाल मिर्चा भी डाल दिए हैं। तो इसको मैं मिक्सी में पीसेंगे। गाइस मैं टमाटर को पेस्ट बना के रख दिए हैं मिक्सी में, देखिए पेस्ट बना लिए हैं। और पालक साग को मैं मिक्सी में पेस्ट करके रख दिए हैं। तो कढ़ाई तो गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। डाल रही हूँ तेल में, भूजेंगे पहले प्याज को अच्छा करके मैं भूजूंगी। ये है लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, डाल दिए। ये जब तक लाल नहीं होगा तब तक मैं इसको छावनी से चलाते रहेंगे। ये थोड़ा सा लाल होने के बाद मैं पालक साग को जो मिक्सी में हम पीस के रखे हैं उसको मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट भी इसमें डालूंगी, देखिए। ये देखिए पहले मैं टमाटर पेस्ट को डाल रही हूँ, देखिए। उसके बाद जो पालन साग है जो मैंने मिक्सी में उसको एक साथ पीस के रखे थे, ये डालेंगे। ये थोड़ा सा कसाऊंगी। तो पालक साग को मैं पीस के रखे थे उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो
देखिए मसाला हमें डालूंगी अभी, तो आप लोग देखिए मैं क्या क्या मसाला हम इसमें दे रही हूँ। पहले तो हल्दी दे रही हूँ, उसके बाद चिली पाउडर, देखिए चिली पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये है धनिया पाउडर, ये है जीरा का पाउडर 1 चम्मच डाले, और ये है नमक, स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद मैं इसको घुमटी से अच्छा करके हम गढ़ा करेंगे। ये थोड़ा सा सूख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो रहा है, गढ़ा हो गया। मैं अभी पनीर को हम डाल दूंगी, एक छोटे करके डाल रही हूँ। पानी देंगे थोड़ा सा। तो देखिए मेरा पालक पनीर रेडी हो गया है, बन चुका है। इसको मैं उतार के अभी रखूंगी। हाय गाइस, तो मेरा पालन पनीर रेडी हो गया है। देखिए तो मैं थोड़ा सा इसको खा के हम दिखा रही हूँ कैसे बना है। बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ऐसे करके बनाइए, बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये पालक पनीर है, ये रोटी से, परोठा से, पूरी से, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी ऐसे करके बनाइए, बना के देखिए घर में। तो आज के लिए मैं इतना सा ही नया रेसिपी लेकर फिर आऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़। और क्या बोलूँ, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।